नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पीएम मोदी ने 8 नई ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के अलग अलग शहरों को स्टेचू ऑफ यूनिटी से जोड़ने वाली 8 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केवड़िया को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें, स्टेचू ऑफ यूनिटी के लिए 8 जोड़ी ट्रेनें रवाना हुई, उनमें से कई लग्जरी हैं और इनमें प्लेन जैसी सुविधाएं हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने ब्रांड गेज लेन का भी उद्घाटन किया। बता दें, भारतीय इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी खास जगह के लिए एक साथ 8 ट्रेन अलग अलग 8 जगहों से रवाना हुई। मौसम विभाग के अनुसार रविवार की सुबह रांची समेत आसपास के इलाके में हल्का कोहरा छाया रहा। हालांकि पछुआ हवा के कारण कनकनी काफ़ी बढ़ी रही। दिन चढ़ने के साथ धूप निकल गई। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत आसपास के लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। बता दें, 20 जनवरी तक रांची समेत आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। गोड्डा की रहने वाली हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा पूजा भारती पूर्वे हत्याकांड में पुलिस बड़ी सफलता की ओर बढ़ रही है। बता दें, पुलिस फिलहाल इस केस में मृतका पूजा के हजारीबाग से रांची आने और फिर पतरातू जाने के सफर में मौत का रहस्य ढूंढ रही है। हत्या के 6 दिन बीत जाने के क्रम में पुलिस ने तमाम पहलुओं की बारीकी से जाँच की। छात्रा के डिलीट फेसबुक अकाउंट से भी डाटा जुटाया गया है। बता दें, इससे पहले झारखंड पुलिस के डीजीपी एमबी राव ने 72 घंटे में हत्या की गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया था। किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए शुरू की गई ऋण माफी योजना अगले वित्तीय वर्ष में भी जारी रहेगी। हालांकि इस योजना में किए गए बजटीय प्रावधान में कुछ कटौती हो सकती है। बता दें, चालू वित्तीय वर्ष में कर्ज माफी योजना के लिए 2000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया था। अगले वित्तीय वर्ष में इसे 1000 करोड़ के आसपास रखा जा सकता है। कृषि बजट के लिए कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई तैयारियों के शुरुआती क्रम में इस बात के संकेत मिले हैं। झारखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारी। झारखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस तरह लागू हो, इस पर मंत्रणा शुरू हो गई है। स्कूली शिक्षा में इस नीति को लागू करने को लेकर प्रारूप तैयार किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी जिम्मेदारी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को सौंपी है। प्रारूप तैयार करने को लेकर विभाग तथा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के स्तर पर लगभग आधा दर्जन बैठकें हो चुकी है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई बैठकें राज्य के पदाधिकारियों के साथ की है। राज्य में इस नीति को कैसे प्रभावी बनाया जाए, इससे संबंधित प्रक्रियाओं में किस स्तर पर बदलाव होगा, किन किन नियमावलियों में संशोधन जरूरी है, तमाम बिंदुओं पर मंथन जारी है। आज से खुलेंगे आवासीय विद्यालय, विद्यार्थियों के लिए दिशा निर्देश। झारखंड के कस्तूरबा गांधी और अन्य बालिका आवासीय विद्यालय सोमवार से खुल जाएंगे। फिलहाल 10वीं और 12वीं की कक्षाओं का ही संचालन होगा। मैट्रिक इंटर की परीक्षाओं को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में छात्रों के पठन पाठन से लेकर शिक्षकों को मार्गदर्शन तक का निर्देश दिया गया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित सभी विद्यालयों के 10वीं और 12वीं की छात्राओं को अभिभावकों की सहमति से ही विद्यालय बुलाने की अनुमति दी गई है। वहीं ऑनलाइन माध्यम से अन्य सभी कक्षाओं का संचालन पूर्व की तरह होगा। पारा शिक्षकों ने किया आवास का घेराव। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की राज्य इकाई ने स्थायीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर रविवार को सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास का घेराव किया। इस दौरान मोर्चे के सदस्यों ने विधायकों को मांग पत्र भी सौंपा। वादा पूरा करो प्रदर्शन किया गया। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के सदस्य संजय दुबे ने बताया कि पारा शिक्षकों ने एक स्वर से चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किए गए वादे को एक वर्ष पूरे होने पर भी नहीं निभाने का आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही कहा कि अब आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए। रांची नगर निगम के नए भवन में प्रवेश आज। रांची नगर निगम के नवनिर्मित भवन में प्रवेश और कार्यों का आरंभ सोमवार को सुबह 11:30 बजे होगा। बता दें, शुभारंभ पूजा रीति रिवाज से होगी। रविवार को मेयर आशा लकड़ा ने नवनिर्मित नए भवन का निरीक्षण किया। नए भवन के लिए मेयर ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को धन्यवाद दिया। कहा कि यह उनकी ही देन है, उनके कार्यकाल में ही फंड आवंटित किया गया था, जिसकी वजह से यह भव्य इमारत बना है।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष का निगम बोर्ड की पहली बैठक 21 जनवरी को नए भवन में ही होगी। झारखंड में 87 नए मरीज मिले हैं, जो रांची से 60, बोकारो 5, पूर्वी सिंहभूम 12, गढ़वा 1, गोड्डा 3, हजारीबाग 2, लातेहार 2, रामगढ़ 1, पश्चिमी सिंहभूम 1 मरीज मिले हैं। झारखंड में कुल मरीज की संख्या 117,686 है, जबकि 115,411 लोग स्वस्थ हुए और 1,050 की मृत्यु हो गई। बता दें झारखंड में एक्टिव केस 1225 हैं, वहीं भारत में 13,962 नए मरीज मिले हैं। भारत में कुल मौत की संख्या 152,456 है, वहीं भारत में एक्टिव केस की संख्या 205,109 है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान और नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ चल रहे देशव्यापी आंदोलन के समर्थन में ओडिशा से दिल्ली जा रहे किसान जत्था को राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने रविवार को राष्ट्रीय झंडा दिखाकर रवाना किया। बता दें इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि यह आंदोलन अब केवल अन्नदाताओं का नहीं बल्कि राष्ट्र, समाज और देश के संविधान के संघीय ढांचे को बदलने के लिए पूरे देशवासियों का आंदोलन बन गया है। फुटबॉल का हब बनेगा झारखंड। झारखंड अब फुटबॉल का हब बनने जा रहा है। बता दें इसी कड़ी में जनवरी के अंतिम सप्ताह से जमशेदपुर में भारतीय महिला फुटबॉल की दो टीमों का राष्ट्रीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अंडर 17 और 20 ग्रुप शामिल हैं। बता दें मुख्यमंत्री सह खेल मंत्री हेमंत सोरेन की पहल और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तत्वावधान में दो टीमों के कैंप लगाने पर सहमति बन चुकी है। जमशेदपुर के टाटा फुटबॉल कॉम्प्लेक्स में इस कैंप का आयोजन किया जाएगा। बीएड में नामांकन के लिए फाइनल लिस्ट 20 जनवरी को। झारखंड प्रदेश के बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए 20 जनवरी को फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा। यह लिस्ट प्रदेश के 136 बीएड कॉलेजों का जारी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि झारखंड कंबाइंड की ओर से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया जा चुका है। बता दें प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में 76,189 स्टूडेंट का नाम जारी किया गया है। राज्य के 6 स्टेट यूनिवर्सिटी में 136 सरकारी और प्राइवेट बीएड कॉलेज हैं। इन 136 बीएड कॉलेजों में 13,000 से अधिक सीटें हैं जहां एडमिशन लिया जाता है। झारखंड के बच्चों को मिलेगा क्वालिटी एजुकेशन। टाइम पास करने वाले शिक्षकों के प्रति सरकार सख्त। झारखंड के स्कूलों में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए सरकार अब बड़े कदम उठाने जा रही है। बता दें इस क्रम में स्कूलों में टाइम पास करने वाले या सिर्फ ड्यूटी बजाने वाले शिक्षकों के प्रति सरकार सख्त रूप अपनाने जा रही है। सरकार की माने तो अब शिक्षकों को सिर्फ बच्चे के रिजल्ट के लिए ही जिम्मेदार नहीं माना जाएगा बल्कि क्वालिटी एजुकेशन देने में फेल होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को लेसन प्लान बनाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा है। इसके जरिए शिक्षक छात्रों को क्लास में एक दिन पहले ही यह बता देंगे कि कल क्या पढ़ाई होगी। निर्देश के मुताबिक हर महीने लेसन प्लान के तहत शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे। वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को भारत रत्न की मांग, बन्ना गुप्ता। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भारत सरकार से मांग की है कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को भारत रत्न सम्मान मिलना चाहिए। बन्ना गुप्ता ने कहा है कि यह टीकाकरण अभियान देश के वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और मेहनत का परिणाम है। सरना धर्म कोड को लेकर कुछ लोग कर रहे हैं दुष्प्रचार, बंधन तिगा। सरना धर्म कोड को लेकर खूंटी के मुंडवा में हुई बैठक को संबोधित करते हुए बंधन तिगा ने कहा कि सरना कोड को लेकर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। बंधन ने कहा कि विरोध करने वाले संगठनों को पता होना चाहिए कि आज ईसाई, इस्लाम और हिंदू धर्म अपनाए लोगों को भी संविधान में अनुसूचित जनजाति का स्टेटस प्राप्त है। सरना धर्म तो आदिवासियों का धर्म है। धन्यवाद।